नमस्कार दोस्तों, आरके साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10वीं का जो नया सिलेबस है उसके बारे में। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम सिलेबस देखते हैं। तो अपने पास जो नया जो सिलेबस आएगा सत्रांक 2021 और 22 का, उसमें क्या क्या आएगा? उसमें आएगी अपने सबसे पहले जो चैप्टर आएगा वो होगी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में आप सब जानते होंगे, जैसे कि हमने पढ़ा भी है 9th क्लास में क्या होती है, परिमेय अपरिमेय पूर्णांक जो होती है इससे संबंधित आएगी वास्तविक संख्या है। और ये लगभग होगा 3 या 4 नंबर का, अभी इनके नंबर डिसाइड नहीं हुए, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको ये लगभग होगा 3 या 4 नंबर का होगा वास्तविक संख्या है। उसके बाद दूसरा आता है अपने बहुपद पॉलीमर। तो बहुपद में क्या होता है, एक से अधिक पद होते हैं तो उनको क्या करना रहता है, सोल्व करना रहता है। तो जो बहुपद होता है ये अपने आएगा लगभग 12 नंबर का। 12 नंबर में इसमें क्या क्या आएगा बहुपद में? बहुपद में आएगा एक तो खुद बहुपद वाला आएगा प्रश्नावली, उसके बाद आएगी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म और द्विघात समीकरण समांतर श्रेणी, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इनका नंबर भी डिसाइड नहीं है, फिर भी लगभग मानो आप ये आएंगे 12 से 15 नंबर के बीच। अगला चलते हैं, हम देखते हैं ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। हमारे पास चर होंगे एक एक्स के रूप में एक वाई के रूप में, तो उन्हें क्या करना रहेगा, हमें सोल्व करना रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में क्या होगा, द्विघात समीकरण में भी ऐसा ही होगा, उसमें हम फॉर्मूले का यूज करेंगे और एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे। अगला आता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या होता है, समांतर श्रेणी में हमसे पूछा जाता है किसी पद का एनवा रूप ज्ञात कीजिए या एन पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो उससे संबंधित हमसे पूछा जाएगा समांतर श्रेणी में। अगला आता है अपने पास त्रिभुज। तो त्रिभुज में हमसे नॉर्मली पूछ सकता है त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर त्रिभुज की रचनाएं, तो ये सब पूछा जाएगा हमसे त्रिभुज वाले चैप्टर में। अगला आता है हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होगा, इसमें हमसे पूछा जाएगा कार्तीय तल के बारे में, समतल के बारे में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं हम त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति के परिचय में हमसे क्या पूछा जाएगा, त्रिकोणमिति के परिचय में हमसे पूछा जाएगा कि त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति क्या है क्या नहीं है, और उसमें हमारे पास आएगी त्रिकोणमिति की एक टेबल आएगी जिसमें मान लिखे होंगे, तो वह सब होंगे हमारे पास त्रिकोणमिति का परिचय, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद 9th जो चैप्टर आएगा उसमें क्या होगा, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति जब हम पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद हम करेंगे इसके ऊपर अनुप्रयोग, हाइट डिस्टेंस ऐसे कुछ सवाल कि त्रिकोणमिति का यूज हम मानव जीवन में कहां कहां कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमसे पूछा जाएगा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में। और ये जो त्रिकोणमिति का जो परिचय अनुप्रयोग है ये लगभग होगा 12 से 15 नंबर का, 12 से 15 नंबर का। निर्देशांक ज्यामिति ये लगभग मानो आप 6 नंबर की, सिर्फ सिंपल ये निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद हमारा जो 10वां जो चैप्टर होगा वो होगा व्रत। अब व्रत में क्या पूछा जाएगा, व्रत में पूछा जाएगा हमसे व्रत का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड आदि के बारे में। उसके बाद आता है रचनाएं। रचनाएं क्या होती है, हम किसी भी आकृति की क्या करेंगे उसमें रचना करेंगे, ये आकृति कैसे बनती है कैसे नहीं बनती, तो ये सब हमसे पूछा जाएगा रचनाओं के अंतर्गत। अगला जो प्रश्नावली आती है वो हमारे पास आती है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। तो व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल जैसे नाम से पता चल रहा है आप सभी को, इसमें क्या पूछा जाएगा कि व्रतों से संबंधित जितने भी क्षेत्रफल होगा, चाहे वो वृत्ताकार खेत ले लो और वृत्ताकार कुछ भी चीजें ले लो, उसका पूछेगा हमसे वो क्षेत्रफल, अलग अलग रूप में हमसे पूछेगा वो क्षेत्रफल। अगली प्रश्नावली आती है हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किसके बारे में पूछेगा, ये पूछेगा हमसे जो 3D या जो आकृति होती है उसका हम क्या निकालते हैं, 3D आकृति का हम निकालते हैं आयतन, तो 3D आकृति का पूछेगा क्षेत्रफल और आयतन। 3D आकृतियां क्या होती है, जैसे घन हुआ, घनाभ हुआ, गोला हुआ, बाल्टी हुई, प्रिज्म हुआ, शंकु हुआ, तो ये जो सब होते हैं ये आते हैं अपने 3D आकृति के अंतर्गत, और उसी से संबंधित है ये प्रश्नावली 13, जिसमें वो हमसे पूछेगा कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लो पूछ ले बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, घन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, घनाभ का ज्ञात कीजिए, तो ये सब आएगा हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के अंतर्गत। उसके बाद हमारा जो 14वां जो प्रश्नावली है उसमें क्या पूछेगा, उसमें पूछेगा हमसे सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या होता है, सांख्यिकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे माध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है, तो ये पूछेगा वो हमसे सांख्यिकी के अंतर्गत। लास्ट और अंतिम आता है प्रायिकता।
प्रायिकता में हमसे क्या पूछेगा, प्रायिकता में पूछ लेगा मान लो कह दे कि एक सिक्के को उछालने पर उस पर हेड या टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या और कुछ भी पूछ सकता है। तो वो पूछेगा हमसे ये सब प्रायिकता के बारे में, प्रायिकता आएगी लगभग 4 या 5 नंबर की, और सांख्यिकी भी इतने ही नंबर आएगी 4 या 5 नंबर की। देखो ये मैं जो बता रहा हूँ ये नंबर कन्फर्म नहीं है, आरबीएससी में जो पिछली बार जो सिलेबस था उसी के आधार में बता रहा हूँ, लगभग इनमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो इसे आप कन्फर्म मत मानिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ ये कन्फर्म है, ये नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये नया सिलेबस है, अभी तक इसके नंबरों का कोई आकलन नहीं आया है। तो वो तो खैर अपडेट होने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, पर आप फिर भी ना आपके माइंड में रहना चाहिए कि लगभग है ना इतना ही रहने वाला है, ये ऊपर नीचे सिर्फ 1-2 नंबर हो सकता है, ज्यादा ये नहीं होगा। जो अपने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो आयतन है, ये भी लगभग 4 या 5 नंबर का होने वाला है। सबसे ज्यादा जो अपने पास सिलेबस में जो होगा वो होगा दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति। अब इसके बारे में इसके अंदर भी और कुछ टॉपिक्स आएंगे, तो ये सबसे ज्यादा नंबर का आरबीएससी में सबसे ज्यादा नंबर का अगर कोई टॉपिक था तो वो निर्देशांक ज्यामिति था। इसके अंतर्गत आरबीएससी में उसने एक और चीज पूछी थी, एक तो हमें दिया हुआ था आरबीएससी में निर्देशांक ज्यामिति और एक दिया हुआ था ज्यामिति, तो ज्यामिति उसमें ज्यादा नंबर की पूछी थी, लेकिन इसने दोनों टॉपिक्स को एक कर दिया। जब ये एक कर देगा तो ये कंफर्म नहीं है कि 6 नंबर का है, ये लगभग आपके आएगा 20 से 25 नंबर का। उसके बाद व्रत रचनाएं और व्रतों से संबंधित क्षेत्र पर लगभग आएंगे 10 से 15 नंबर के। अपने पास ये जो टोटल जो 15 चैप्टर से दोस्तों, ये टोटल 15 चैप्टर होंगे अपने पास 80 नंबर के, और अपना जो पूरा पेपर हो, पूरा जो टोटल ओवरऑल जो पेपर होगा वो होगा 100 नंबर का। तो 80 तो अपने पास क्या होगा पेपर, पेपर से आएंगे हमारे पास 80 मार्क्स, और जो स्कूल की तरफ से जो 70 अंक भेजे जाएंगे वो भेजे जाएंगे हमारे पास 20 नंबर के, तो टोटल हो गए 100 नंबर। तो दोस्तों 80 में से भी यदि जो बच्चा पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है या वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाता, तो उसके लिए 2-4 चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें पढ़ के वो आराम से पास हो सकता है और बहुत अच्छा नंबर भी ला सकता है। तो कौन कौन से हैं, एक तो है निर्देशांक ज्यामिति, अगर इसे अगर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ले तो बहुत अच्छा, बहुत कम मैटर कंप्लीट करके बहुत अच्छे नंबर ला सकता है, जिसे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती हो उसके लिए बता रहा हूं, हर किसी के लिए नहीं बता रहा। दूसरा है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम फर्स्ट बार जब पढ़ते हैं उसे तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन नंबर बहुत अच्छे आते हैं इसके और आगे भी बहुत फायदेमंद होता है। बहुत से सोचते हैं कि नहीं ये थोड़ा अलग है इसे नहीं पढ़े, पर दोस्तों जैसे जैसे हम आगे की क्लासों में जाते हैं तो वहां हमें बहुत दिक्कत आती है, तो आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा त्रिकोणमिति को, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। और उसके बाद हमारे पास एक बहुपद, अगर आप इन 4 टॉपिक्स को पढ़ लेते हो तो आराम से 40 से 50 नंबर के हो जाएंगे दोस्तों, 40 से 50 नंबर के 4 या 5 टॉपिक्स हो जाएंगे 40 से 50 नंबर। तो जिन्हें दिक्कत आती है वो इन्हें पढ़ सकता है। और दोस्तों अब आप बताइएगा कि मैं आपके लिए इनमें से सबसे पहले कौन सा टॉपिक उठाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू।